हिंदी का सत्र शुरू कर सकते हैं। तो कल का एक असाइनमेंट था, कुमार भैया ने एक असाइनमेंट ग्रुप पे डाला था कि अपने अंदर जो ये एक्टिविटीज हैं B2 ब्लॉक की, इच्छा विचार आशा, इसको हम देखें और इनमें क्लैरिटी हो इसके बारे में अपने अंदर। और इसमें और एक पार्ट था कि जो स्टूडेंट्स अपना सेलिब्रेशन करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन या इवेंट सेलिब्रेशन, उसको हम कैसे कोई सही दिशा दे सकते हैं, या उसको हम कैसे और तरीके अपने में देख सकते हैं जिससे कि एक हार्मोनियस वे में हम उसको सेलिब्रेशन को कर पाए, ताकि हम उसको स्टूडेंट्स के लिए कोई मार्क दिखा पाए। तो इसमें आपकी किसी की भी शेयरिंग हो तो करते। अमरीश पाटिल जी, अगर आप हिंदी में शेयर कर सकते हैं तो हम आपकी शेयरिंग अभी ले सकते हैं। आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी शेयर करना चाहें। अपने अंदर ये जो एक्टिविटीज हैं, इच्छा विचार आशा, ये हमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, यस और नो में चैट में आप डाल सकते हैं। कुछ यसेस आ रहे हैं, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है तो वो नो लिख सकते हैं, फिर हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं उस बारे में। ठीक है, अभी तक तो जितने भी रिस्पॉन्सेस आए हैं उसमें यस आया है। अगर हमें नहीं दिख रहा है तो हम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, विचार भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम उसमें नो डाल सकते हैं, या कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं अपना हाथ रेज करके। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे सब यसेस ही दिखे हैं, एक हैंड रेज्ड है, तो हम उनका ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। सुरेंद्र प्रताप जी, दीदी नमस्कार। नमस्ते हाँ, मैं सुरेंद्र सक्सेना ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी। ये जन्मदिन और विवाह एनिवर्सरी जो मनती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है ये। और इसका जो मूल भावना थी, ये जो मूल स्वरूप था, उसको बिल्कुल भी नहीं समझा जा रहा है। और आजकल इस उत्सव को, जन्म दिवस को भी और विवाह उत्सव को भी एक बहुत ही फूहड़ता और शोरगुल करना, तमाम प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटीज में बदल दिया गया है। जैसे कि वो जन्मदिन मनता है तो आजकल एक नया चलन आया कि वो केक काट के सबके मुंह में लगा देते हैं, और वो कितना खराब दिखता है। तो ये सब चीजों की हमें ऐसा ही लगता है कि कुछ अवेयरनेस में कमी है, और जो समझ और जो जानकारी का अभाव में सब चल रहा है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्म दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। एक जीवन अस्तित्व से पृथ्वी पर आया है, और वो इस उम्मीद से आया है कि वो जीवन खुशहाली से जिएगा। तो जन्मदिन के इस वक्त हमें ये विचार में आना चाहिए कि हम जो है धरती पर किस लिए आए हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जागृति है। हम जो है आत्म चिंतन, आत्म मंथन के द्वारा आत्म जागृति की ओर हमारा पाथ होना चाहिए। आत्म जो अपने दर्शन में बताया कि जब आत्मा का व्यापक में अनुभव प्राप्त हो जाए, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो अभी ना हमें जीवन के लक्ष्य मालूम है, ना मानव के लक्ष्य मालूम है।
किस प्रकार से जो बैड ट्रेडिशंस चल गई हैं उनको फॉलो करते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वो 1 साल का बच्चा है, वो कुछ नहीं समझता जन्मदिन के बारे में, उसको तमाम भारी भारी कपड़े पहना देते हैं, तमाम शोरगुल करते हैं, बच्चा इतना डिस्कम्फर्ट में चला जाता है, इतना परेशानी में चला जाता है, और सब लोग बिल्कुल ऊंची ऊंची आवाज में कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और उस बच्चे को सब परेशानी कर रहे हैं। तो इस सब पे हमें विचार होना चाहिए कि ये जो हम मना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका सर्व उद्देश्य ये है कि उस दिन हमारा ये चिंतन जागृत हो कि हम जिस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर हमने हमारा जन्म हुआ है, क्या हम उसको पूरा कर पाए, क्या उसको कर नहीं कर पाए, तो उसमें कौन सी बाधाएं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आगे हमें द्रुत गति से आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन के उद्देश्य, मानव के लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र, इसकी तरफ हमें हमारे प्रयास होने चाहिए। ये तो जन्मदिन का उद्देश्य हो गया। इस प्रकार से हमें जन्मदिन के अंदर ये सोच और ये समझ के साथ जन्मदिन मनाना चाहिए, तो जन्मदिन का कुछ मतलब होता है। एक परंपरा ये भी कि मोमबत्ती उसमें लगा देते हैं फिर उसको फूंक से बजाते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में किसी भी दीपक को फूंक से बजाना अशुभ माना जाता है, लेकिन ये चलन चल गया और सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो विवाह उत्सव है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, महत्वपूर्ण उत्सव है। उस दिन पति पत्नी को ये विचार करना चाहिए कि हमने जो शादी की है उसका उद्देश्य क्या है, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं। शादी शादी जो है जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, और उसमें दो दो लोग सारी जीवन खुशी के साथ आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के स्थायी साथी होते हैं, और वो एक अच्छी संतान पैदा करते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, और जब जब शादी अच्छी चलती है तो पति पत्नी खुश रहते हैं, उनके रिश्तेदार खुश रहते हैं, उनके बच्चे खुश रहते हैं, समाज में खुश रहते हैं, पशु पक्षी गाय को रोटी मिलती है, कुत्ते को मिलती है, मतलब पूरा सिस्टम उससे प्रभावित। यदि वो लड़ते हैं तो फिर उस घर में बिल्कुल नरक पैदा हो जाता है। तो विवाह संस्कार भी इस दिन उस चीज का विचार होना चाहिए कि ये संस्कार हमने क्या उद्देश्य पर उसको क्यों कर रहे हैं, क्या उस उद्देश्य की हम पूर्ति भी कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। सिर्फ इस प्रकार की जो फुगड़ता और अश्लीलता और तमाम प्रकार का शोरगुल करके चले जाते हैं, और फिर पहले भी उत्सव में जाने के पहले भी पति पत्नी लड़ते हैं, पर बाद में आकर के भी लड़ते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं ना इनकी पूरी होती है ना उनकी पूरी होती है। तो ये सब गलत ट्रेडिशन के ऊपर मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इस प्रकार का यदि जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाया जाए तो उसका एक सार्थक उद्देश्य सामने आएगा और उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। तो इसमें मैं एक दो बात और जोड़ दूं कि जैसे कि जब हमारे में सही समझ आती है या जब हम उस दिशा में चलते हैं या उसमें प्रयास करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि हमारा गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली हम क्यों हैं यहाँ पर। और फिर सभी कुछ जो हमें दिखता है, हम एक तो अपना संबंध सबके साथ देख पाते हैं या देखने के प्रयास में रहते हैं, और जो मेरे अंदर जागृति के लिए मैं इच्छुक हूँ वही दूसरा भी उसके लिए इच्छुक है ये देख पाते हैं, और उसकी जागृति दूसरे की जागृति के लिए भी प्रयास करते हैं। तो अपनी अपनी जागृति और दूसरे की जागृति के लिए भी प्रयास करते हैं। तो इसी तरह जब हम शादी भी, जब दो लोगों की शादी का क्या महत्वपूर्ण बात है या उसको हम ऑफकोर्स एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसको सेलिब्रेट कैसे करेंगे, वो और एक उसका एक्सप्रेशन की बात है, लेकिन उसके पहले हमें उसमें क्या समझ है या हमें उसमें क्या उसका उद्देश्य दिख रहा है, जब हमारी उससे कुछ पाने की अपेक्षा अगर हम रखते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम है। अगर हम अपने अंदर सुख को महसूस करके और उसके तहत दूसरे को सुखी करने की या उसके प्रयास में लग जाते हैं और दोनों की जागृति के अर्थ में इस संबंध को देख पाते हैं, तो फिर उसका मीनिंग ही अलग निकल के आता है। फिर हम दूसरे से जो शादी कर रहे हैं उसमें हम कुछ पाने के लिए, कुछ दूसरे से कुछ लेने के लिए नहीं कर रहे हैं,
देने के अर्थ से कर रहे हैं कि अब हम दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं इस सफर में, इस जर्नी में जागृति की ओर। तो वो जो लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो क्लियर हो तो फिर हम हर संबंध को इस तरह देख पाते हैं और हर ओकेजन को इस तरह देख पाते हैं। वो मैं जरा सा ऐड कर, तो दीदी आपने सही ऐड किया कि हमें एक दूसरे की समझ के ऊपर भी काम करना चाहिए, ये बात भी हमारे दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक, बढ़िया। शीला मिश्रा जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, जैसा कि आपने कहा ना कि अपने अंदर क्या विचार, क्या आशा, क्या इस तरह की अपेक्षाएं चलती रहती हैं, तो कई बार देखने में आता है कि अपने ऊपर बहुत सारे संस्कारों पर काम करना आसान है, लेकिन कभी कभी किसी दूसरे का संस्कार बहुत ज्यादा लगता है ना कि रिजिड है, वो चेंज ही नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे परिवार से हम दो लोगों को जाना है कहीं पर, फ्लाइट कैच करनी है, ट्रेन कैच करना है, तो एक व्यक्ति का संस्कार है कि उसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बहुत ही एक्साइटमेंट और दौड़ के वहां तक पहुंचना कि हाँ बस फ्लाइट छूट ना जाए या ट्रेन छूट ना जाए, और वो बिल्कुल ही समाप्त नहीं होता। तो कई बार बाद में लगता है ना कि इसके साथ मुझे जाना ना पड़े, या उसके साथ अगर जाना पड़ता है तो पहले से ही टेंशन होता है कि उसे बार बार रिपीट करते रहो, और दूसरा व्यक्ति भी उसका आनंद लेता रहता है ना कि नहीं लास्ट मोमेंट पर ही जाना है। तो ऐसे में भाव तो अंदर उठता है, अपने अंदर फीलिंग्स आती हैं, इरिटेशन की आती हैं या गुस्से की आती हैं, या फिर ये भाव चलता है कि अरे इसके संग जाना ही क्यों है और क्या इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उन पे कैसे काम करें दीदी? थैंक यू। जी ऐसा है ना, अभी हमें लगता है कि दूसरे के इतने खराब संस्कार से हैं, अपने संस्कार तो फिर भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी आप दूसरे से पूछने जाएंगे ना तो वो उनकी एक लंबी लिस्ट होगी हमारे संस्कारों के बारे में कि हमारे इतने प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या ठीक कर रहे हैं। क्या होता है कि हम दूसरे का ज्यादा आसानी से देख पाते हैं और उसको क्या करना चाहिए वो भी हम देख पाते हैं, लेकिन अपने अंदर हम क्या कर सकते हैं उसमें भी थोड़ा और हमें क्लैरिटी कई बार होने की जरूरत है। जैसे कि हर सिचुएशन में, हर दूसरे संबंध में, अगर मुझे अपना संबंध दूसरे के साथ दिख रहा है तो मैं अपनी भागीदारी पर फोकस करूंगी, ना कि मैं डिस्टर्ब होंगी। अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ यानी मेरी अभी कॉम्पिटेंस थोड़ी कम है, मुझे उसको बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाएंगे कैसे? तो उसमें सबसे पहले तो भाई हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम दूसरे की क्या सहायता करेंगे, है ना। जब हम डिस्टर्ब हो गए तो हम दूसरे को यही बोल सकते हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है, है ना। क्या हम कर रहे हैं? हम दूसरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और जी। दूसरे को उसमें कुछ खराबी दिख नहीं रही तो उसको कोई इंटरेस्ट ज्यादा आ नहीं रहा उसमें चेंज होने में, है ना। नहीं, लेकिन इसमें दीदी खराबी कैसे नहीं दिख रही है कि समय कम है और जल्दी पहुंचना है और टाइम से पहुंचना है, ये क्यों नहीं दिख रहा है पढ़े लिखे समझदार लोगों को? वो तो बोलेंगे ना, हमने एयरपोर्ट में बैठ के टाइम वेस्ट नहीं किया या ट्रेन स्टेशन पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं किया, देखो हमने ट्रेन पकड़ ली या फ्लाइट पकड़ ली टाइम से। तो मतलब इसमें क्या दीदी, जैसे अगर कोई छूट जाए दो चार बार फ्लाइट तभी उसको समझ आएगा, जबकि समझदार या पढ़े लिखे लोग जैसे कहते ना कि भाई 10 मिनट का मार्जिन लेके चलो, तो ये बात अगर अगले को भी समझाई कि हाँ देखो रास्ते में कुछ भी ऐसी चीजें आ सकती हैं तो 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। अब इस बात को कहने के लिए कितने प्रकार से कहना चाहिए दीदी? कहने की बात नहीं है, देखिए जी जी दूसरे का कोई बहुत गहरा संस्कार है ना, वो तो हमें दिख गया कि वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखें कि हम इस बात से डिस्टर्ब ना हो, अब ये हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है?
नहीं, बिल्कुल है, वो डिस्टर्ब होना हमारी प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल, अब हम भी तो उसमें से नहीं उभर के आ पा रहे हैं, है ना। लेकिन तो एक एक काम कर सकते हैं दीदी, जैसे मान लीजिए हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और वो छूट जाने दें, या उसका इंतजार करें कि वो हर बार उसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करे और दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़े। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसको टोकना कहना छोड़ दे, लेकिन इसका आगे का परिणाम, मतलब व्यवहारिक समस्या है इससे जो उत्पन्न होगी, उसका कैसे करेंगे? देखिए क्या होगा। अब हमारे भी ये संस्कार हो सकता है कि ना फ्लाइट छूट गई तो मतलब बहुत ही कुछ बहुत गलत हो गया। अब आप देखेंगे कि ठीक है, मैं मानती हूँ असुविधा तो होगी भाई, थोड़ा फिजिकल फैसिलिटी थोड़ा खर्च हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और हम हर चीज का सदुपयोग करना चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन कभी कभी हम ये देख पाए कि हम किस पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, हम सुविधा पे ज्यादा ध्यान जा रहा है हमारा, या संबंध पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, वो हमारा भी एक संस्कार हो सकता है। मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं इन जनरल कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ कि कभी कभी हम हमारा जो फोकस होता है वो फिजिकल फैसिलिटी पे ज्यादा जाता है, और हम देख पाए कि संबंध सेकंड प्रायोरिटी पे है, सुविधा थर्ड प्रायोरिटी पे है। उसके बाद हम ये देख पाए कि भाई दूसरा जो संबंध में ये कुछ भी कर रहा है उसके भी बहुत गहरे संस्कार हो सकते हैं। तो जैसे मैं अपने संस्कारों में से पूरे तरह नहीं उभर पाती, वो भी अपने संस्कारों से नहीं उभर पा रहा, तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अक्सर हम ये सब बोलते हैं ना कि अभी टाइम से करो, ये करो, तो उसमें हम उनके उनका सहयोग कर सकते हैं। जैसे रात में अगर सुबह फ्लाइट पकड़नी है तो रात में उनसे पूछ लें कि आपको कुछ इसमें सहायता चाहिए, ये आप कर लीजिए, सुबह में थोड़ा टाइम कम होगा, या वो देर से उठें तो हम उनको जल्दी उठा दें, या उनके लिए कुछ जो भी है ना, बातचीत करके ही हो पाएगा। वो क्या होता है कि अक्सर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम उसका सोल्यूशन निकाल पाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो भाव ही गड़बड़ हो गया, अब वो सोल्यूशन दिखता भी नहीं है और वो हो भी नहीं पाता, क्योंकि हम बात नहीं करते, हम दूसरे को बताते हैं, हम उसकी कंडीशन समझ के बात नहीं करते, हम दूसरे को समझाने में लग जाते हैं कि देखो ये कर दिया ना, अब छूट जाएगा, ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, और हर बार यही होता है। और ऐसा सब हम उसके साथ बहुत सारा पुराना जो है वो सब जोड़ के ले आते हैं। अभी आज की घटना ये है, चलो ठीक है, अभी से ये एक फ्रेश दिन है, ऐसा सोच के नहीं करते हम। पिछले कितने सालों से ये चल रहा है, हम वो सारा सामने ले आते हैं। देखो हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ये प्लेन छूट जाएगा तभी समझ में आएगा, ऐसा ऐसा करके हम जो बातचीत करते हैं ना, कई बार हमें भी नहीं ध्यान रहता हम किस तरीके से दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो परेशानी ये है कि अब हमने तो, हम अपनी तरफ से हम सोचते हैं कि हमने सब कर दिया उनके लिए, अब क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा। लेकिन अब देखें कि उनका जो संस्कार है उसमें से उभरने के लिए उनको टाइम लगेगा। तो हम जब अपने अंदर भाव स्थिर रखेंगे तब हम ये बातचीत तब कर सकते हैं जब वो ये जल्दबाजी के भागदौड़ की स्थिति में ना हो। तो जब जैसे अगर सुबह फ्लाइट पकड़नी है तो रात में वो बातचीत हो जाए, क्या क्या हम रात में साथ में मिलके कर सकते हैं जिससे कि सुबह में उस चीज में टाइम ना लगे, या ऐसे करके कुछ, मैं तो एक छोटा मतलब मोटा मोटी कुछ कह रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो जो सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे हम कुछ सल्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर हम उसमें भागीदारी अपनी दिखाएंगे तो दूसरे को भी लगता है कि हाँ मुझे मेरी सहायता करी जा रही, ना कि मुझे समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है। एक बात हो सकती है वो मैं कहना चाह रही थी। जी शीला जी, जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। भगवान सिंह जी।
जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, क्लियर है। ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। एक्चुअल में जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक यात्रा की गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि हम में धैर्य आने लगा है। जी अभी बाहर जो है, अभी तो बाहर देखने का ही आदत रहता है, चाहे माता पिता हों चाहे पति पत्नी हो, उनने अपनी कुछ मान्यताएं बना रखी हैं। जैसे कोई पिता बैठा होगा, बच्चा आ जाएगा तो बच्चा भी पिता के बारे में जान चुका है कि मैं आऊंगा तो पिताजी ये बोलने वाले हैं, या अभी तो ये हो गया है कि पिताजी के पास जाना ही नहीं है हाँ क्योंकि उनके पास सेट जवाब है। तो बिल्कुल अब इन छोटी छोटी बारीकियों पे मेरा भी ध्यान जाने लगा है क्योंकि ये गलतियां पहले मैं भी करता था। तो अब जैसे जैसे अपनी थोड़ा गहराई बढ़ी तो अपन देख पाते हैं कि किसी चीज को, कोई घटना भी हो रही है तो उसको मैं कितना देख पाता हूं। चलो हो रही, कोई आएगा, अगर प्रकृति में कोई फूल लगा हुआ है तो वो उस फूल को देख नहीं पाएगा, उसकी इच्छा होगी कि इसको मैं तोड़ दूं। मेरे यहाँ बगीचा लगा हुआ है तो जब उसमें फल आते हैं तो लोगों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन जब केयर करना है, पानी देना है, ये सब उनमें नहीं होगा। तो इस पे मैंने अपना कुछ प्रैक्टिस किया कि अगर फल लगे हैं तो क्या मैं इन्हें देख पाता हूँ, देख करके भी मैं खुशी खुशी प्राप्त कर पाता हूँ। यदि मेरे यहाँ 4 लोग हैं, चाहे परिवार में हैं या बाहर से भी लोग आए हुए हैं, तो क्या अभी वो जिस स्थिति पे है उस स्थिति पे मैं उन्हें देख पाता हूँ? यदि मैं देख पाता हूँ तो धीरे धीरे ध्यान जाने लगता है कि हाँ ये इनमें मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का मेरे में सुधार हो चुका है। यदि मेरे में सुधार नहीं हुआ है तो मैं कहीं ना कहीं से विरोधी देख रहा हूं। ये जो दीदी अभी बोल रही थी, इसका तो अभी यही उत्तर है कि सब में कहीं ना कहीं अभी एक दूसरे को सुधार देने का भाव है और खुद को मैं अपना अच्छा माने हुए हूं। तो यहां जो बात हो रही है, जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक यात्रा करेंगे, जैसे जैसे हम जो पूरा अपना एक सेट पैटर्न है, ये बहुत हल्की बात नहीं है कि हम अनुभवगामी विधि से अनुभव तक कैसे जाएंगे, क्योंकि अब अभी हमारे उत्तर जो है वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि के लेवल पर आ रहे हैं, और बुद्धि अगर मन और इन सब क्रियाओं से संचालित है तो निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई अभी निर्णय लेने में अधीरता हो ही सकती है, व्यवहार में भी अभी कुछ ना कुछ मिस हो ही सकता है। तो ये अपने आप में एक पूरी गहरी विधि है कि हम अनुभवगामी विधि से अनुभव तक कैसे पहुंचे और हमारी पूरी पूरी यात्रा कैसे हो जाए। तो इसको हमें बहुत धैर्य पूर्वक करना होगा। अभी जो जो मैं अपने में सुधार कर पा रहा हूँ तो उससे जहां मैं खुद भी हल्का हो पा रहा हूँ, वहां छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे बात करना चाहते हैं। अब उनमें एक धैर्य आ गया। मेरे घर में मेरे ही साथी विक्रम जी रहते हैं, उनका बच्चा अपने पिता से जितना नहीं खुलता है उतना वो मुझसे खुलने लगा है। शाम को आएगा, कहेगा वो अंकल क्या है कि जरा खेल लूं, आप मेरे साथ खेलिए। मोहल्ले भर बिल्कुल के बच्चे हमारे पास आने लगे हैं। ये सब अपने आप होगा। ऐसे ही पति पत्नी संबंध है कि अपने आप कब संवाद होने लगेगा, कहो पति खुद कहने लगे कि भाई हम आप में सुधार देख रहे हैं, पत्नी खुद कहने लगे कि हम आप में सुधार देख रहे हैं। तो ये यात्रा गहरी है। और जो अभी भैया ने भी, सुरेंद्र पाल भैया ने भी कहा था, वो भी सब दिखने लगेगा। हम कहीं रिश्तों में जाएंगे तो दिखने लगेगा, हम शादियां कैसे होनी चाहिए इस पे दिखने लगेगा, प्रोग्राम बनने लगेंगे। आप कोई शादी का सिस्टम अगर क्रिएट करेंगे तो लोग ऐसी शादियां करना चाहेंगे, क्योंकि उससे परेशान तो सब है। हमारे बुंदेलखंड में 10-10, 20-20 लाख के कर्ज में लोग सिर्फ शादियों के कारण डूब जाते हैं। यदि किसी की 5 या 6 लड़कियां हैं, कभी कभी यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा रहती है,
तो कई बार तो पिता इसी से सुसाइड कर लेता है कि इतनी लड़कियों की शादी कैसे करूंगा। दहेज का बहुत बड़ा वो है, दूसरे को हम आयोजन में ढकेल रहे हैं, उनकी जमीनें बिकवा रहे हैं, तो ये सब जगह पे ध्यान जाने लगेगा और फिर इसके लिए काकम बनने लगेगा। काक और जैसे ही काकम बनेगा कि आपको टीम के रूप में साथ भी मिलने लगेगा। अभी हमने एक रिंग सेरेमनी की, बहुत सक्सेस हुई। अभी हर जगह पे कोई ना कोई हमारा काम चल रहा है। परसों कुमार भैया ने बोला, उसके जस्ट बाद मेरी बच्चों से बात हुई कि भाई किस प्रकार से हम जो वीडियो, किस प्रकार से मोबाइल आर्टिफिशियल जो गेम खेल रहे हैं बच्चे, इनके लिए हम किस प्रकार से क्यानियां बना सकते हैं, किस प्रकार से इन्हें प्रकृति की ओर मोड़ सकते हैं, किस प्रकार से ये बच्चे जो है बच्चों को ठीक करने में लग सकते हैं। तो सब कुछ हो सकता है, बसरते वो मेरे धैर्य पर और मेरे आचरण पर, उस पर निर्भर करेगा। इतनी ही बात मैं शेयर कर रहा था दीदी। ठीक बात, इससे मुझे कुछ ध्यान में आ रहा था तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। जी जी। जैसे हम हमारे घर के बाहर ना एक बेल लगी है जिसमें के खूब अच्छे सीजन में बहुत से फूल आते हैं। जी। तो अक्सर क्या होता है कि लोग बाहर से जो भी जाते वॉक के लिए जाते हैं सुबह के टाइम, तो अक्सर वो बाहर से फूल तोड़ के ले जाते थे वो बेल में से। तो अब एक अप्रोच ये हो सकता है कि कोई कहे कि ये लो, ये देखो हमारे फूल क्यों तोड़ के ले जा रहे हैं, हमारी बेल उसमें इतने अच्छे फूल थे, काहे को तोड़ के ले जा रहे हैं। और उस समय मुझे ये कभी नहीं भूलेगा, हमारी सासू माँ थी और किसी ने उनसे कहा ऐसा कि देखो ये सब लेके चले जाते हैं और तोड़ देते हैं और ऐसा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे फूल उनकी पूजा में सज जाएंगे, ठीक है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बहुत छोटी सी बात होगी लेकिन हमारी दृष्टि क्या है, हम अपना संबंध दूसरे के साथ देख पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। तो जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे हमारी समझ विकसित होती है तो हमारे देखने का जो तरीका है वो बदलते जाता है धीरे धीरे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटी छोटी बातों में भी हम उस दृष्टि से देख पाते हैं। ये भी पता। दूसरा, अगर अभी जहां है अगर वो कोई नुकसान भी कर रहा है तो भी क्या मेरे में देखने का पेशेंस है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई टूट फूट हो ही सकती है। अब मेरे यहाँ क्या है, मैंने मोहल्ले को जब मैं वहां पहुंचा तो जोड़ने का प्रयास किया तो उतने लोग, बड़े लोग जो थे वो नहीं जुड़े, उनके पेरेंट। लेकिन जब मैंने वहां झूले या ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से खेल सकें, उस खेल खेल में उन बच्चों ने कब पेरेंट को जोड़ दिया पता नहीं चला। कभी कभी वो आपस में थोड़ा लड़ जाते हैं या कभी कभी लगेगा कि झूले से गिर जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा डांट दीजिए, ठीक है। और वो डांटने का भी बहुत ये है कि जब आपके अंदर भाव बना हुआ है तो डांट भी डांट नहीं लगती है और लोग उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं जी। और डांट अगर विरोध लिए हुए है तो फिर वो विरोध ही लगती है और आदमी आपसे दूरी बना लेगा। तो कई बार डांट से भी बहुत नजदीकी आती है। मेरे यहाँ लोग बेर तोड़ने आएंगे, आंवले तोड़ने आएंगे, कहो इतना तोड़ दें कि डाल ही टूट जाए, तो उनको 10 बार तोड़ने दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, फिर धीरे से एक आध बात कुछ अच्छी तरह से बोल दीजिए। तो वो जो एक आध बात बोली गई है उसका फिर असर देखिए, तो चूंकि वो आदमी भी अपने में उसका ध्यान नहीं जा रहा है, उसका ध्यान चला जाता है, तो इस पे कहीं भी विरोध नहीं है, ये तो ध्यानाकर्षण ही है दीदी। जी जी दीदी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी जी। और ये जो दूसरी बात थी जो आपने मेंशन करी कि बच्चे फिर बात नहीं करते, ये चीज अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे जब छोटे थे तब हमारी बातचीत सब सुनते थे,
अब बड़े हो गए तो स्कूल ने खराब कर दिया, उनके संगत ऐसी हो गई, दोस्तों के साथ रहने लग गए, इसलिए ये हुआ। बट इसीलिए ये हुआ या ऐसा हुआ कि हम उनको समय नहीं दे पाए, हम उनको सुन नहीं पाए। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और स्कूल से आता है, भागा भागा आता है और सब बताने की कोशिश करता है, माँ बाप को बताता है कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, हम देखो इसके साथ ऐसा हुआ, और बहुत खुशी से सब बताता है। लेकिन कभी कभी शायद हम ही लोगों के पास समय के अभाव के कारण या अपने डिस्टर्बेंस अपने अंदर के कारण हम उसको समय नहीं दे पाते हैं या उसको सुन नहीं पाते हैं और उसको बताने में लग जाते हैं कि तुमको ऐसा ही करना है, ऐसा बनना है, ये करना है, वो करना है, तुम अपना होमवर्क करो, तुम अपना ये करो, ब्रश करा के नहीं, खाना खाया के नहीं, दूध पिया के नहीं, हम इस सब में बिजी हो जाते हैं। हम उसे कभी ये नहीं सुन पाते कि वो खुश है कि नहीं, वो क्या सोच रहा है, उसको क्या लग रहा है, अंदर से क्या फील हो रहा है। ऐसी बातें हम ज्यादातर करते नहीं है। तो अगर हम करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि बच्चा तो एक्सप्रेस करना चाहता ही है, बच्चा तो हमारे साथ शेयर करना चाहता ही है। कहीं ना कहीं हम ही वो रास्ता उसका धीरे धीरे बंद कर देते हैं, तो वो या इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि वो फिर शेयर करना बंद कर देता। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया है तो हम उसको बदल सकते हैं, आज भी बदल सकते हैं। और इसमें जब बच्चा बड़ा भी हो जाए तो उसमें बोलने में हमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हमने भी बहुत गलतियां की होंगी, हमारी समझ इतनी नहीं थी। जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा है तो हमें दिख रहा है कि हमें और ओपन रहना चाहिए था और सुनना चाहिए था। हम इतनी भी बात अगर बच्चों को बोलेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे बच्चा हमारे साथ फिर वापस खुलने लगेगा और वापस से वो संबंध को ना हम अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसमें फुलफिलमेंट पा पाएंगे। ठीक है, बहुत से हैंड्स रेज हैं, हम एक आध हैंड ले लेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सिक्स्थ बैच में से शैलजा जी कुछ शेयर करना चाहेंगे। शुभोदय दीदी, जी कैन यू हियर मी? हाँ, हेलो दीदी, सुनाई दे रहा हमें है? भी नमस्ते। सुनाई पड़ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जो आपने बोला बगीचे से फूल लेके जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम भी लाइक अभी हाँ, हम भी ऐसे ही सोचने लगे हैं। जहाँ भी जाता है वो भगवान को भगवान के पास ही जाता है, हमारे हाथ से गए या दूसरे लोगों के हाथ से गए। हमको सही लगा, आप भी वैसे ही सोच रहे लाइक सभी ऐसे ही सोचने लगे तो ऐसा झगड़ना नहीं होगा। ये एक एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती थी। और एक पॉइंट, जब लाइक दो बच्चे झगड़ झगड़ते दूसरे लोगों के लाइक घर को हानि किए, तो लाइक उनके साथ हम कैसे व्यवहार कर सकते हैं? वो भी पहले हम क्या किए, एक बार शीशा टूटा, हमने ऐसे टूटे ऐसे बोले, परंतु बाद में क्या हुआ? और एक बार वो बच्चा जो शरारती था, वो ऐसे हानि करता गया। ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करना है, वो मुझे चाहिए था। जी, आपका जो पहला स्टेटमेंट था उसमें मैं थोड़ा सा जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि जब हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं या दूसरे का ना क्या हमारे साथ इंटरेक्शन है उसको देखते हैं या वो क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं, तो दूसरे के लिए उदारता और कि भाई उनकी समझ उतनी ही है अभी, तो उसके लिए उदारता और अपने लिए वो जो सही समझ है उसकी तरफ बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पे ध्यान देना। तो जैसे अभी कहा कि ना फूल तोड़ के हम पूजा में रखते हैं, तो हम
क्या कर रहे हैं उसमें, मुझे मतलब अपने लिए मैं ऐसा ना करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि जो सारी सृष्टि जैसी चल रही है, अब हम अगर उसको अप्रिशिएट करने के लिए या कोई भी जैसे भगवान जो भी फॉर्म भी हम अगर देखें, तो हम उनको फूल देने के लिए मतलब हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम उनको मतलब हम ऐसा देख रहे हैं कि उनको इसकी जरूरत है या उन्हीं की बनाई चीज हम उन्हीं को दे रहे हैं, तो हम वो जो गिरे हुए हैं जमीन पर उनको भी वहां रख सकते हैं, जमीन भी भगवान है, तो जो फूल खिला हुआ है उसको हम वही वैसा ही क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकते, उसको तोड़ना ही क्यों जरूरी है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी जिसको जितना दिख रहा है उसके लिए वो एक एक्सेप्टेंस, दूसरे के लिए उदारता कि भाई हर एक अपने संस्कार के साथ चल रहा है और अपने में हमें क्या दिख रहा है, हम सही समझ की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम अपने अंदर अपने को ध्यान दें कि हम अपनी समझ को और विकसित कर पाए ताकि हम दूसरों की समझ में सहायक बन सके, उस पे हमारा फोकस रहे, ऐसा मैं देख पाती हूँ। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि अब कोई बच्चे शैतानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो क्या करें, अल्टीमेटली यही था ना कुछ सवाल? या दीदी दो बच्चे हानि करके मैं नहीं किया वो नहीं किया ऐसे झगड़ते गए, बाद में वो क्लियर नहीं हुआ, हम ही वो टूटा हुआ शीशा डाले, कुछ नहीं बोल के डाले, बाद में ऐसे ही कंटिन्यूएशन हुआ। जब भी हम लोग आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं बोलते हैं तो वो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? देखिए मुझे तो ऐसे बच्चों को कैसे चेंज करना हो वो चाहती थी, एक टीचर चेंज कर जिन्होंने यूएचपी का वर्कशॉप किया था उनकी शेयरिंग मुझे ध्यान में आ रही थी, तो वो मैं बताना चाह रही थी कि उनके दो छोटे बच्चे थे और वो कहती थी कि उनको बहुत गुस्सा आता था जल्दी, तो वो अक्सर बच्चों को डांट देती थी, गुस्सा कर देती थी और उनको लगता था ये कितनी गड़बड़ करते रहते हैं, क्या मुश्किल है इनको ठीक करना या उनको कैसे संभालें क्या करें। लेकिन फिर वो यूएचवी कंटेंट से जुड़ी, थोड़ा सा उस पे उनका ध्यान गया या उसी टाइम उन्होंने वर्कशॉप किया था और उन्होंने ये शेयर किया था अपने फीडबैक में कि जब वो खाना बना रही थी शाम के टाइम तो उनके बच्चे, अब बाहर अंधेरा शायद हो रहा था तो बाहर नहीं खेल पा रहे थे तो अंदर आ गए थे और बैट बॉल लेके कमरे में ही खेल रहे थे और वो एक ने बैट से बॉल को मारा और वो खिड़की के ऊपर जाके लगा और शीशा टूट गया। और इनको सुनते ही वो मतलब जो ये किचन में खाना बना रही थी जब इनको सुनाई पड़ा तो वो बहुत गुस्से से बहुत तेजी से चिल्लाने के उसमें किचन से सॉर्ट ऑफ भागती भागती ऑलमोस्ट बाहर आई, लेकिन वो बच्चों तक पहुंचने तक दूसरे कमरे तक उनको वो ध्यान में आया इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, और उनको लगा कि इनका इंटेंशन तो बुरा नहीं है, चाहते तो नहीं है मुझे दुखी करना, अब खेल रहे हैं बाहर अंधेरा है क्या करेंगे, बच्चे ही है ना खेल ही तो रहे हैं। तो वहां पहुंचने तक वो एक तो बहुत ही छोटा था एक थोड़ा बड़ा था, उन दोनों को उन्होंने बहुत आराम से बिना किसी गुस्से के थोड़ा प्यार से हटाया कि देखो दूर हो जाओ कांच लगेगा, और फिर चुपचाप वो कांच साफ कर दिया। तो बच्चे भी हैरान कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मम्मी ऐसा मतलब रिस्पॉन्स हो रहा है मम्मी का, तो छोटे बच्चे ने धीरे से बोला मम्मी मारोगी नहीं। अब बच्चे को दिख रहा है ना, ये बात उसको ज्यादा ध्यान में रहेगी, हम उसको डांट दें मार दें फटकार दें बोले गलत किया क्यों किया ये सब उसकी भी आदत पड़ जाएगी,
कि ऐसा तो बोलते ही रहती हैं, जाने दो, लेकिन आप उनको सही भाव से उनके लिए कंसर्न रख के जब आप बात करोगे तो वो बात उनके समझ में बहुत अच्छे से आएगी। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमने भी बहुत गलतियां करी होंगी, हमने भी बहुत बार व्यवहार में गड़बड़ किया होगा, लेकिन धीरे धीरे उनको वो दिखने लगता है। और उससे मतलब अगर हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप सही दिशा देख पाए या वो सही निर्णय ले पाए, उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो सेहत स्वीकृति होती है ना, ये छोटे से छोटे बच्चे में वो उनको एक्सेस करने में कोई मुश्किल नहीं होती। 2 साल के बच्चे में तो हमने बहुत बार देखा हुआ है ऑनवर्ड्स। तो हम जब उनको उनके भाषा में जो इतना उनको समझ में आए उस हिसाब से उनको प्रश्न करेंगे या उनकी सेहत स्वीकृति पर उनका ध्यान ले जाएंगे, तो वो तब भी 2 साल की एज में भी सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन हम उनको चांस नहीं देते, हम उनको बताते रहते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम छोटे हो, ये सब जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको जो उनके नेचुरल जो एक्सप्रेशन है उसको हम दबा देते हैं। फिर वो भी समझ जाते हैं किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, वो इस हिसाब से चलते हैं। फिर ये मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी कि हम अपना भाव सही रखें और फिर उनको उनकी सेहत स्वीकृति से जोड़ें ताकि वो खुद अपने निर्णय सही ले सकें। क्योंकि जब तक आप हैं, अगर आप डंडा सिर पे रख के बात करेंगे तो वो बिहेवियर तो चेंज हो जाएगा शायद, लेकिन जिस दिन आप बाहर निकले घर के या आप का वो डंडा हटा और आप कहीं दूर हैं, तो क्या वो सही निर्णय ले पाएंगे? वो बात सोचने की है कि हम पूरा टाइम तो उनके सिर पे डंडा लेके खड़े नहीं रह सकते ना, हमें कहीं ना कहीं तो उनको छोड़ना पड़ेगा कि वो जब समाज में प्रवेश करें, जो भी कुछ कैसा भी वातावरण हो, क्या वो सही निर्णय ले पाएंगे अपने लिए या नहीं, उसके लिए हमने उनके लिए क्या तैयारी की, हमने उनके सेल्फ के गाइडेंस के लिए क्या किया। हम शरीर को तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमने उनके लिए उनकी समझ के लिए क्या एफर्ट किया, उससे वो आगे अपने लिए अपना रास्ता ठीक से देख पाएंगे, है ना? या दीदी, राइट दीदी, थैंक यू दीदी। अब थोड़ी सी आगे चर्चा कर लें और फिर समय होगा तो वापस आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने इंग्लिश सेशन में कुछ असाइनमेंट भी नहीं दिया, तो हम कंबाइंड असाइनमेंट दे देंगे ग्रुप पे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं अभी। भैया नेक्स्ट स्लाइड खोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं या उसमें ये सब देख पाते हैं, इच्छा विचार आशा को, कि सब कुछ ये चल रहा है, तो हम जैसा कि कल मेंशन हुआ था, ये देख पाते हैं कि वो जो 3 सोर्सेस हैं उसमें से सहज स्वीकृति का जो पोर्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि हम उसको रिफर ही नहीं करते, हम बाहर ही देख रहे हैं। तो या तो हम सेंसेशन के थ्रू या प्रीकंडीशनिंग के थ्रू हमारी इच्छाएं मोटिवेट होती रहती हैं और वैसा चलते जाता है। लेकिन जब हम इस जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है, जो ये ग्लिम्प्स हमको मिल रहा है, एक छोटी सी झलक मिल रही है, जैसा जो चीजें जो बदलती नहीं है उसका एक छोटा सा एक वो जो ग्लिम्प्स है वो दिख रहा है, उसी के थ्रू हम अपनी ये जो जर्नी है अंदर, इसको बढ़ा पाते हैं।
तो हम उसको रेफर जब करते हैं, जब हम अपनी कल्पनाशीलता को देखते हैं और ये देख पाते हैं कि मेरे लिए जो भाव है ये इस समय, ये सहज स्वीकृत है या नहीं है, और जो नहीं है तो मेरे अंदर जो ये जो डिसहार्मनी मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इस कारण है, तब फिर हम ये भी देख पाते हैं कि हम इस भाव को ठीक कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसको रेफर करते जाते हैं तो ये जो हायर एक्टिविटीज जिनको हम B1 ब्लॉक कह रहे हैं, ये हायर एक्टिविटीज हमारे लिए खुलती जाती हैं। ये ऑलरेडी हैं बट एक डोरमेंट स्टेट में है, हम इसके प्रति अवेयर नहीं है। तो हमें कहीं बाहर से कुछ नहीं लाना है, ये हमारे अंदर ही है, हमें इनको देखना है और समझ पाना है, बस उतना ही है। तो जैसे जैसे हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करते जाते हैं और जैसे जैसे हम अपनी अपने भाव को उसके अलाइनमेंट में लाते जाते हैं, पहले तो बहुत एफर्ट लगता है पर धीरे धीरे ये जो हायर एक्टिविटीज हैं ये हमें थोड़ी थोड़ी दिखने लगती हैं। तो ये जो लिखा है कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन, जब ये एक्टिवेट होता है तो हमें ये जो हमारा संबंध है औरों के साथ ये और अच्छे से दिखने लगता है। अभी हो सकता है कि हमें अपना संबंध सिर्फ अपने परिवार के साथ, इमीडिएट परिवार के साथ या अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ दिखता हो, लेकिन जैसे जैसे ये चिंतन हमारे अंदर ये क्रिया जो है विकसित होती जाती है, हमें दिखने लगती है, तो उसके बेसिस पे हमें अपना संबंध सबके साथ दिखने लगता है। और नॉट ओनली ये संबंध दिखने लगता है, हमें ये भी दिखने लगता है कि हमें इस संबंध के लिए क्या करना है, हमें इससे क्या पाना है, नहीं हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमारी इस संबंध में क्या भागीदारी हो सकती है। और क्योंकि ये संबंध हमारा सबसे है तो ये जो पूरी व्यवस्था है उसमें हमारी क्या भागीदारी है, जो जिसको कहते हैं ना पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ना कि हमें उससे क्या मिले। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम अपने अंदर देख पाते हैं। फिर जैसे जैसे इस पे चलते जाते हैं और इसी राह पे एक्सप्लोर करते जाते हैं तो फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग, बोध, ये वाली क्रिया हमारे अंदर हम उसको देख पाते हैं। और हमें फिर ये दिखता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो हार्मनी है, सिर्फ मेरे अंदर जो मैं हार्मनी देख पा रही थी, मेरा भाव जब स्थिर हुआ या मेरा भाव जब सहज स्वीकृति के आधार पर हुआ तो मुझे कैसा लगा, वो जो हार्मनी मेरे अंदर थी, ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं, ये इस टाइप की जो हार्मनी है ये सब यूनिट्स में है, एक तरह से एक हार्मनी है जो अपने आप, वो जो व्यवस्था है वो चल रही है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बस उसको देख के समझना है। जैसे कि जो इंग्लिश सेशन में बात हो रही थी कि हमारा जो शरीर है, अब शरीर में देखें तो बहुत सी छोटी 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 पार्ट्स हैं ना, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। अब वो उसमें अगर हम देखें जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बाहर जो देखते हैं अमीबा, प्रोटोजोआ, हमने सब पढ़ा हुआ है, तो वो कैसे एक छोटी इकाई अपने में कंप्लीट है। अब ऐसी ही कितनी सारी इकाइयां आप सोचिए हमारे अंदर जुड़ गई हैं, ऐसा अगर हम देखें तो कितने सारे सेल्स कंबाइन करके कोई एक टिश्यू बनाते हैं, कुछ एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, किडनी है, ऐसे करके कितने सारे ऑर्गन्स हैं। हर एक ऑर्गन के साथ में कुछ वो उसका सिस्टम जुड़ा हुआ है जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, कुछ वेन्स हैं, कुछ आर्टरीज हैं, कुछ नर्व्स हैं, सब कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। और कैसे ये एक एक छोटी यूनिट जो एक एक सेल है
कैसे वो कंबाइन करके वो पूरा जो ऑर्गन है उसके डायरेक्शन में चलती हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर वो जो ऑर्गन है वो पूरे ऑर्गन सिस्टम में कैसे पार्टिसिपेट करता है, ये जो पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं इतने सारे वो पूरे शरीर में कैसा पार्टिसिपेट करता है, ताकि वो शरीर के हित में ये सारे ऑर्गन्स चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गन दूसरे से झगड़ा करता है या डिसहार्मनी करता है, ये तो हम हैं जो अक्सर उसमें डिसहार्मनी पैदा करते हैं, हमारे विचार सही नहीं होते, हमारे भाव सही नहीं होते, उसका असर शरीर के ऊपर पड़ता है, या हमारा जो संयम का भाव है वो अभी नहीं है हमारे में, तो हमारे अंदर शरीर के अंदर इतनी डिसहार्मनी हम लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन वैसे देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तब देखें तो ये सारे ऑर्गन्स कितने अच्छे से स्मूथली सब एक दूसरे के साथ मतलब अपनी भागीदारी निभा पाते हैं और शरीर को एक प्रॉपर वे में रख पाते हैं। ऐसे ही करके हम देखेंगे तो हर इकाई में हमको दिखेगा एक हार्मनी है, एक व्यवस्था है जो अपने एक संतुलित ढंग से चल रहा है सब। फिर और जैसे हम उस क्रियाओं को और जैसे हम देख पाते हैं, तो फिर हम अल्टीमेटली वो जो रियलाइजेशन या अनुभव की क्रिया है उस तक पहुंच पाते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। अनुभव की क्रिया क्या है, जब हम जो सारी ये सृष्टि है जैसा है हम उसे वैसा देख पाए, हम ये देख पाए कि ये जो शून्य है वही एक आधार है जिसके बेसिस पे ये सब चल रहा है। और जब हम उस शून्य को भी देख पाते हैं तो हमें फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि संबंध है, हमें वो दिख ही रहा है कि इसके आधार पे हम सब हैं और हमारा संबंध जो है ये सबके साथ है, हर इकाई के साथ है और हर इकाई सह अस्तित्व में है। तो हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, हमें बस इसे देखना है, इसको समझना है और इसके साथ होना है, बस उतना है काम हमारा। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं अपने अंदर ये धीरे 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 विकसित होंगी, एक लंबी जर्नी है, लंबी यात्रा है, लेकिन शुरुआत तो हमको कहीं से करनी पड़ेगी और वो शुरुआत वहीं से है कि हम अपने अंदर जो B2 ब्लॉक में अभी जो चल रहा है, इच्छा विचार आशा जो चल रहा है, उसको हम देख पाए, ताकि उसको देख के फिर हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करके उसको उसके लाइन में ला पाए। और जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो दूसरी जो अंदर की क्रियाएं हैं, ऊपर की क्रियाएं हैं, वो उनको हम धीरे धीरे देख पाएंगे। तो ये पूरी जर्नी है जो हम जिसकी कोशिश में लगे हैं और जो हम जब हम एक्सरसाइज 1 और 2 करेंगे तब उसमें इस बात को और अच्छे से देख पाएंगे अपने अंदर। तो मुझे लगता है कि जो हैंड्स रेज हैं अब हम उनको भी थोड़ा देख लें। सारथी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीदी, नमस्ते। दीदी नमस्ते सभी को। हाँ दीदी, आपकी इतनी मतलब सुन के ऐसा लग रहा है मैं तो अंदर ही चली गई हूँ, है ना, गो इन साइड वाली हिस्सा हो रही है मेरे साथ। बहुत अच्छा है, अंदर ही जाना है। बिल्कुल भाई दीदी, वही चल रहा है अंदर की गो इन साइड, बस वही वाली चल रही है। और बिल्कुल जो मैं बस दीदी एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी ने 5 डे का कोर्स वर्कशॉप तो किया हुआ है, बट जैसे वो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, अब ऐसे तो उनके क्वेश्चन का हल हम भी नहीं कर सकते ना घंटे में आधे घंटे में। उनको जैसे ये पूछा गया कि आपने छोड़ा क्यों या कंटिन्यूस उसको क्यों नहीं करना चाह रहे हो, चाहे वीकली एक बार जुड़ो आप या फिर मॉर्निंग सेशन आप सुनो घंटा, तो वो कहते कि नहीं हम जिस सोसाइटी में रहते वहां तो सब चीज चाहिए ना, तो ये सुनते तो फिर ऐसा लगता है कि हम सबसे कट जाएं क्या,
तो एक तो ये बड़ा दुविधा कल मेरे साथ हुआ कि समझाने लिए, फिर मैंने वो अभी जो अब बता रहा था ना किसी को थोड़ा, मैंने से प्यार से डांट भी दिया, उनके साथ मेरा थोड़ा चलता है, तो मैंने बोला क्या है आप सीखना भी नहीं चाहते हो करना भी चाहते हो तो प्रॉब्लम किसको है, कहते प्रॉब्लम तो मुझे, मैंने कहा तो फिर मुझे क्यों शिकायत कर रहे हो या बाहर क्यों शिकायत कर रहे हो। तो एक तो इस पे बहुत लंबा टॉपिक छिड़ गया, तो मैं उसको आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे उनको ऐसे थोड़ा शांत किया जाए। दूसरा दीदी, वैसे तो मतलब जो सुन रही हूँ मुझे इतना अच्छा एकदम लग रहा, सब क्लियर होता जा रहा है। जैसे एक भगवान भैया ने जो बोला है कि अपने आप होने लगेगा, बिल्कुल जैसे हमें यही आपने बोला, चिंतन और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन जब तक नहीं होती है तो हम उन चीजों को उतनी क्लैरिटी से देख नहीं पाते। और फिर जब कोई हमसे क्वेश्चन करता तो उसका, क्योंकि हम खुद से क्लियर नहीं होते तो दूसरों को भी नहीं कर पा रहे। तो साथ बहुत सारी चीजें आ गई घर में, ऐसे कुछ ऐसे होती है कोई बर्तन तोड़ दिया कुछ तोड़ दिया, उन चीजों को जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि पहले मैं थोड़ा इरिटेट में भी होती थी, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं उसमें वो क्षमता नहीं है, तो अब वो चाहती तो नहीं थी ना तोड़ना या मुझे नुकसान पहुंचाना। तो जैसे ये वही इनसाइड वाली बात है कि नहीं अपने अंदर जाओ, डोंट लुक आउटसाइड, गो इनसाइड। ऐसा नहीं है डोंट लुक आउटसाइड, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बाहर तो देखना पड़ेगा ना, अब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, आप बाहर नहीं देखेंगे तो जाएंगे। आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो, आपका वो नुकसान हो गया उससे या उसकी कमी को कहां उसको अपने भरना है, तो उस चीज को तो उसमें काम तो चल रहा है दीदी। बस दीदी बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू। तो ये जो आपने अभी बात कही ना कि किसी ने कुछ तोड़ दिया, अब देखिए हमारा देखने का तरीका वही है, किसी ने कुछ तोड़ दिया या किसी से कुछ टूट गया, इसमें बहुत अंतर है ना। नहीं वो गुस्से से जैसे किसी ने मतलब जैसे कुछ बोला जैसे इरिटेट हुई, वो भी जैसे बहुत ज्यादा इरिटेट हुए और वो जैसे लिटरली हाथ में लेके ना जोर से आपको दिखाने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। तो अब देख लिया तो अब मुझे उसमें वो आग वाला काम तो नहीं करना ना, मुझे तो बिल्कुल और भी कहते ना दो ग्लास शांत रहो, शांत रहो मतलब उसका एक्सप्रेशन बाहर नहीं आए या अंदर से भी हम शांत हो जाएं, वो जो रिएक्शन बाहर है वो नहीं हो, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने वहां रिएक्ट कर दिया तो दूसरा भी भड़क जाएगा, है ना, जो आपने बोला आग का काम हो जाए, वो तो नहीं करना है। लेकिन अपने अंदर भी रिएक्शन ना हो, क्योंकि अब बाहर तो रिएक्शन नहीं हुआ चलो ठीक है, अपने अंदर जो चल रहा है उसका क्या करें, क्योंकि हम तो दुखी हो रहे हैं ना उससे, तो अल्टीमेटली तो हमें अंदर भी शांत होना है। तो जब तक हम अंदर देखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम शांत कैसे हुए अंदर, तो उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि हमें अंदर देखना है, हमें अपने भाव विचार को देखना है, हमारी सेहत स्वीकृति को रेफर करना है, तो वही सब यात्रा फिर से है ना। तो वो तो उसका इम्पोर्टेंस है ही। आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि जिसने 5 डे का वर्कशॉप तो मतलब स्टार्ट किया था बट उन्होंने बीच में छोड़ दिया। अब उसमें दीदी दो चीजें, एक तो किसी ने बीच में छोड़ दिया और एक किसी ने 5 डे का पूरा कोर्स तो करा बट वो जैसे आगे ज्वाइन भी नहीं होना चाहते, तो वो तो फिर ज्वाइन नहीं होना चाहते तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और जो बीच में छोड़ दिया वो ऐसे क्वेश्चन तो करते, लेकिन अब वो वही बात है कि 1 घंटे में या आधे घंटे में हम उनकी प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं सॉर्ट आउट कर सकते ना। वो ठीक बात है, तो हम भाई उनको ऐसा बता दें कि भाई देखो प्रॉब्लम अगर आपको है तो हम ये सोल्यूशन के तौर पे ये कह रहे हैं कि आपने अगर वर्कशॉप ठीक से नहीं कर पाए तो फिर से एक बार कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार, और हम अपना उदाहरण दे सकते हैं, अगर हम दूसरे को बताने में लग जाते हैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम नहीं देख रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तो दूसरे एकदम डिफेंसिव हो जाता है कि नहीं नहीं हमारे को जैसे अटैक किया ना वैसा डिफेंसिव हो जाता है। हम वो ना करके हम उनको अपना उदाहरण दे दें कि ऐसा होता है कई बार, हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम हमने अटेंड किया तो कुछ ही बातें हमें ध्यान में आई, कुछ बातें तो हम ध्यान ही नहीं, कहीं और था तो हम पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाए। तो कभी कभी 2-3 बार करने से बहुत फायदा होता है, और हम किसी किसी का उदाहरण दे सकते हैं और उस पर छोड़ दें
हम ये चाहते हैं कि उसी समय वो बंदा हमारे जो हम कह रहे हैं उसको मान जाए, वो जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा समय दें, वो थोड़ा अपने में उनका, फिर बाद में उनको ध्यान आएगा, फिर जुड़ जाएंगे। तो और ये भी हो सकता है कि कई लोग अभी रेडी ही नहीं है, तो ठीक है, हम क्यों उसमें दुखी हो रहे हैं, हम अपना काम करते चलें, अपना एफर्ट करते चलें, दूसरे की जब तैयारी थोड़ी थोड़ी होने लगेगी या उसको दिखने लगेगा कि बाहर से नहीं चल रहा काम, तब वो आएगा ही इस तरफ। तो हम अपनी तरफ से तो भाई हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो हम करते चलें, लेकिन दुखी होना तो जरूरी नहीं है ना, उसमें हम अपना भाव तो ठीक रख सकते हैं, तो उस पे हम ध्यान दें, वो कैसे करना है उसको हम करने की कोशिश करें, ठीक है ना जी। ठीक है, इरिटेट तो मैं नहीं हुई है, लेकिन वही है कि वो ये कैसे कहते हैं ना कि तुम करके आते तो समझाओ, तो मैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं उससे, पूरा तो ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पूरा करना पड़ेगा, तो यही मैंने उनके आगे रखा। अच्छा, ही बता दें कि भाई ये मतलब एक पूरा एक सेंटेंस है, कुछ भी बात उसमें छूट जाती है तो वो बीच में से कट हो जाता है, अधूरा हो जाता है, तो अगर आपका कुछ भी मिस हुआ है तो उसमें आपको ही इतना फायदा नहीं हो पाएगा। अभी हम क्या है अपनी तरफ से बोलते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, हम उनको वो दिखाएं कि भाई आपके लिए जो है वो ये बेहतर है, इसलिए हम आपको सुझाव ऐसा दे रहे हैं, ठीक है ना। खैर एनीवे, अभी तो हमें यही रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय हो गया, तो वी हैव क्रॉस्ड द टाइम, एक दो हैंड्स रेज्ड हैं बट वो कल लेने पड़ेंगे। तो मीनवाइल हम लोग ये अपना आज के लिए रिफ्लेक्शन ये कर सकते हैं कि हम देखें कि हमारी हर संबंध में हमारी क्या भागीदारी है, क्या हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा कोई भी जो संबंध है, जो अभी हमारे को संबंधी दिखते हैं या जो भी हम जिनसे भी हमने संबंध माना भी हुआ है, उसमें हम उनसे कुछ पाने की अपेक्षा रख रहे हैं या हमारी क्या भागीदारी है उस संबंध में वो देख पा रहे हैं, उस पर अगर हमारा ध्यान जाए तो आज हम उस पर रिफ्लेक्ट करें और कल उसको शेयर करें, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी। तो इसी के साथ आज के लिए हम यही रोक सकते हैं भैया, परीक्षित भैया, सभी को नमस्ते।